हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोपिनो। दोस्तों, रिसेंटली एसबीआई कार्ड ने उनके बहुत सारे यूजर के अकाउंट से रिवॉर्ड पॉइंट डेबिट किया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों एसबीआई कार्ड ने ऐसे उनके कस्टमर के अकाउंट से रिवॉर्ड पॉइंट को डेबिट किया है, क्या एसबीआई कार्ड ने सही किया है और इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों एसबीआई कार्ड ने उनके इतने सारे यूजर के अकाउंट से रिवॉर्ड पॉइंट डेबिट किया है। अगर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं था तो सेम अमाउंट का चार्जेस उनके अकाउंट पे ऐड कर दिया है। तो प्रॉब्लम पहले जानते हैं, सितंबर अक्टूबर 22 में जो ऑफर आया था, जो सेल था, उसमें ऑफर था कि एसबीआई कार्ड यूज करके आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐसे ऑफर चल रहा था उस टाइम पे। तो एसबीआई कार्ड ने उस टाइम के पहले एक नोटिफिकेशन में बोला था कि एसबीआई का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है उसमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, और जो बाकी कार्ड है उसमें आपको डिस्काउंट तो मिलेगा पर रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। पर सेल में ऐसा नहीं हुआ। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिला और 5% का जो कैशबैक है वो भी मिल गया, और बाकी सारे कार्ड पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल गया और रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल गया। तो इसके बाद एसबीआई कार्ड ने एक और नोटिफिकेशन जारी करके बोला कि 7th अक्टूबर के बाद जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ये सेल पीरियड में, उसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट मिला है बाकी सारे कार्ड पे वो वापस ले लिया जाएगा, और जो कैशबैक कार्ड का 5% कैशबैक है वो भी वापस ले लिया जाएगा। दिसंबर एंड में एसबीआई कार्ड उनके कस्टमर के अकाउंट से रिवॉर्ड पॉइंट वापस ले लेते हैं। जिनके अकाउंट पे रिवॉर्ड पॉइंट नहीं था उनके अकाउंट पे रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू था वो चार्जेस पोस्ट कर देते हैं, और जिनका कैशबैक कार्ड था उनके कैशबैक वापस ले लिया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे यूजर उस टाइम पे कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं था पर उनका भी रिवॉर्ड पॉइंट वापस ले लिया गया। तो जब हमने उनको ईमेल किया, एसबीआई कार्ड को ईमेल किया, तो उन्होंने ईमेल में बोला कि सितंबर 14 के बाद जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो वापस ले लिया जाएगा। एसबीआई कार्ड का जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था ये रिवॉर्ड पॉइंट वापस लेने का, उसमें डेट मेंशन था कि 7th अक्टूबर के बाद जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो वापस ले लिया जाएगा, पर अभी उन्होंने डेट चेंज कर दिया। मतलब अभी अगर आप देखने जाएंगे तो कोई भी डेट वहां पे मेंशन नहीं है, और ईमेल में वो लोग बोल रहे हैं कि 14th सितंबर के बाद जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो वापस ले लिया जाएगा। तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है मेरे ओपिनियन में। एसबीआई कार्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने एक थ्रेड पोस्ट किया है टीएफ कम्युनिटी पे, जहां पे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जो मेंबर है हमारा, वो लोग उनके जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट वहां पे डेबिट हुआ है, जो चार्जेस उनके अकाउंट पे पोस्ट हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट वो लोग वहां पे पोस्ट करें। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि कितने यूजर को ये प्रॉब्लम हुआ है, और एसबीआई कार्ड ने कोई भी क्लैरिफिकेशन देने के लिए सोचा भी नहीं एक बार। और जब हमने एसबीआई कार्ड को ईमेल किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि कौन से ट्रांजैक्शन का रिवॉर्ड पॉइंट आप वापस ले रहे हो वो आप ट्रांजैक्शन वाइज हम लोगों को बताओ, ट्रांजैक्शन वाइज रिवॉर्ड पॉइंट का जो डेबिट हुआ है उसका स्टेटमेंट आप हम लोगों को दो, पर एसबीआई कार्ड ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका एक जेनेरिक रिप्लाई आता है कि 14 सितंबर के बाद जो भी ट्रांजैक्शन है उसका रिवॉर्ड पॉइंट वापस ले लिया जाएगा, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि कौन से ट्रांजैक्शन का वापस लिया गया है या फिर कौन से ट्रांजैक्शन के लिए चार्जेस पोस्ट किया गया है, किसी को ये नहीं बताया उन्होंने। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? एसबीआई कार्ड अपने मर्जी से जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट उनके मतलब मर्जी में जितना भी हो वो लोग डेबिट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना देना चाहिए। मेरे ओपिनियन में आपको ईमेल करना होगा एसबीआई कार्ड को कि आप ट्रांजैक्शन वाइज हम लोगों को स्टेटमेंट दो कि कौन से ट्रांजैक्शन का रिवॉर्ड पॉइंट आप वापस ले रहे हो। तो ये हम लोगों को चाहिए। अगर वो लोग नहीं देते हैं तो हम लोगों को आरबीआई का जो बैंकिंग ओम्बर्समैन कंप्लेन पोर्टल है वहां पे जाके कंप्लेन करना होगा। कैसे कंप्लेन करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब वहां पे जाके देख सकते हो कि कंप्लेन कैसे फाइल करना होता है, कैसे कंपनसेशन के लिए रिक्वेस्ट करना होता है। तो वहां पे आप जाओ, अगर आपको एसबीआई कार्ड से रिप्लाई सही नहीं मिल रहा तो आप आरबीआई बैंकिंग ओम्बर्समैन में जाके कंप्लेन करो। मेरे ओपिनियन में यहां पे पूरा गलती एसबीआई कार्ड की है। आपके सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि सेल के टाइम रिवॉर्ड पॉइंट को ब्लॉक कर सके और 3-4 महीना बाद जाके आप कस्टमर के अकाउंट से रिवॉर्ड पॉइंट को डेबिट करते हो, और विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन।
अगर यूजर आपको पूछते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन के लिए आपने रिवॉर्ड पॉइंट को डेबिट किया है तो वो भी आप नहीं बताते हो। ऐसा एक क्रेडिट कार्ड कंपनी SBI कार्ड जैसा बड़ा एक क्रेडिट कार्ड कंपनी से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। और मेरे ओपिनियन में SBI कार्ड को इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, या फिर जो भी रिवॉर्ड पॉइंट आपने डेबिट किया है और चार्जेस आपने पोस्ट किया है यूजर के अकाउंट पे, उसको आपको वेव अप करना चाहिए। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।